तो भाई लोग कैसे हो। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग चेकआउट करने वाले हैं 2.5 का अपडेट जो पबजी मोबाइल के अंदर बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि पबजी मोबाइल की 5th एनिवर्सरी भी है तो वहां तो अपडेट आएगा। तो काफी लोग क्या सवाल था कि क्या BGMI के अंदर हमें 2.5 का अपडेट देखने मिलेगा, तो इस बारे में पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि रिसेंटली मैंने क्राफ्टन इंडिया के ऑफिशियल से भी डिस्कस किया था। क्योंकि जैसे आपको पता है क्राफ्टन का एक न्यू गेम लॉन्च होने वाला है जिसके प्री रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं, तो ये एक 1v1 PvP रियल टाइम स्ट्रेटेजी बेस्ड गेम है। इसके बारे में मैंने एक रील भी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो तो आपने रील देखी होगी, नहीं करते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो वहाँ पे मैंने उनको डिस्कशन के टाइम यही पूछा था कि BGMI के बारे में कुछ अपडेट दीजिए, BGMI का फिलहाल क्या स्टेटस है, कब तक आपको लगता है BGMI आएगा या फिर BGMI नहीं आने वाला, उसमें अपडेट्स वगैरह कब आएंगे। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि फिलहाल वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि BGMI इंडिया में वापस आ जाएगा, बट उस चीज़ के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इन्होंने कहा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो एटलीस्ट एक चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है कि जो लोग BGMI के अंदर 2.5 अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं उनको तो इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि 2.5 का अपडेट तो BGMI के अंदर हमें नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि 2.5 अपडेट काफ़ी नज़दीक आ चुका है। ऑलमोस्ट लाइक 20 दिन के बाद 2.5 का अपडेट आ जाएगा पबजी के अंदर, एंड BGMI में 2.5 अपडेट आने के फिलहाल तो कोई भी चांसेस नहीं है, अनलेस कोई मिरेकल हो जाए। तो कोई आपको बता रहा है कि 2.5 अपडेट BGMI में आने वाला है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता आने वाला है। बट यस गाइज, जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि दे आर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि गेम आ जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मुझे ये लग रहा है कि 2.6 अपडेट आने के चांसेस हो सकते हैं गेम के अंदर। बट फिलहाल 2.6 अपडेट के लिए ऑलमोस्ट 3 महीने का टाइम है, एंड आई थिंक उनको उतना टाइम तो लगने वाला है। तो फिलहाल गाइज मैंने आपको 2.5 अपडेट के बारे में बता दिया रिगार्डिंग BGMI, बट गाइज पबजी के अंदर 5th एनिवर्सरी आने वाली है, एंड हमेशा की तरह आपको पता है एनिवर्सरी के टाइम काफ़ी बढ़िया बढ़िया मोड्स आते हैं, एंड लास्ट ईयर भी काफ़ी अच्छा मोड आया था 4th एनिवर्सरी पे, एंड सेम टाइम BGMI के अंदर होली धमाका आया था। तो होली धमाका तो हम लोग इस साल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट आइए चेकआउट करते हैं 2.5 का अपडेट, क्योंकि 3-4 दिन पहले ही बीटा वर्जन पे अपडेट आया था, तो इसका एक फर्स्ट लुक लेते हैं। मैं भी इसे पहली बार खेल रहा हूँ, एंड एक एक चीज़ें देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या देखने मिलता है। एंड पिछले वीडियो में कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े, वो कह रहे थे कि BGMI में अपडेट ही नहीं आने वाला, तो हम लोग फिर अपडेट रिलेटेड देख के क्या करें। तो गाइज काफ़ी लोग पबजी मोबाइल भी खेल रहे हैं, एंड मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो पबजी खेलते हैं, तो उनके लिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आप भी चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया बढ़िया अपडेट्स है, तो पबजी खेल के ट्राई कर सकते हो। एंड इसके अलावा काफ़ी सारे और गेम्स भी हैं, न्यू स्टेट मोबाइल, माइनक्राफ्ट, तो काफ़ी लोग इन गेम्स पे भी शिफ्ट हो गए हैं। सो एनीवे गाइज देखते हैं अपडेट कैसा है। तो ये देखिए गाइज मैप के ऊपर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे स्टेल्वर पे लैंड करते हैं। ऑलराइट गाइज, तो हम लोग यहाँ पे स्टेल्वर में पहुंच चुके हैं, एंड यहाँ पे भाई बहुत ही बड़ा मैसिव यू स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है, पूरा येल्लोइश थीम के ऊपर बेस्ड है, एंड बीच में एक रोबो भी रखा है इतना बड़ा। तो देखते हैं भाई क्या सीन है, एंड लेट्स होप यहाँ पे कोई एनिमी ना आए, क्योंकि मैं यहाँ पे एनिमी को मारने से पहले नए नए फीचर्स एंड क्या क्या नई नई चीज़ें आने वाली है वो देखना चाहूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, तो अब इस ब्लॉक का क्या काम है चेक करते हैं। लूट तो भाई भर भर के है, बस एक फटाफट से गन मिल जाए। यहाँ पे थोड़े ग्लिच्स एंड बग्स वगैरह है, थोड़ा लैग भी कर रहा है कैरेक्टर अपना। ये देखिए ग्लिच टाइप की स्क्रीन है यहाँ पे, एंड बहुत सारी जगहों पे स्क्रीन्स रखी है। DP मिल गई भाई, अपनी फेवरेट गन। वैसे गाइज आपकी कौन सी फेवरेट गन है? मेरी तो DP एंड ग्रोजा है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक अपना काम बन गया है। थोड़ा सा ये जो नई नई चीज़ें आई है ना, ये लेते हैं क्योंकि हमें इसे चेक करना है ना, एंड थोड़े पैसे भी लेते हैं क्योंकि शॉप के अंदर से ना कुछ नई नई चीज़ें, नई अटैचमेंट्स है, वो भी हमको चेकआउट करनी है। तो यहाँ पे एरो बने हुए येल्लो कलर के। ओके, ये चीज़ ये देखिए गाइज, ये वाली चीज़ ये देख रहे हो, ये एक लॉन्चर है, तो इसका इस्तेमाल भाई हवा में लॉन्च होने के लिए होगा। पहले हम ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर जाने के लिए रास्ता कहाँ से है? ओके, यहाँ से रास्ता है, एंड वहाँ पे जो एरोज बनाया है ना इन्होंने, तो ओके यहाँ पे एक और हम लोग को मिल गया लॉन्चर, इसे लेते हैं। तो ऊपर देखिए यहाँ पे खड़े रहते हैं हम लोग, तो ऊपर एक लोडिंग बार फील हो रहा है, एंड अब देखिए ऊपर क्या बनता है। ओके, तो यहाँ पे जॉर्जो पुल एंड नोवो का कंटेनर बन चुका है, 3D मॉडल उसका, जस्ट शो के लिए वो, आई डोंट थिंक उसका कोई इस्तेमाल है। यहाँ पे जाके देखते हैं, यहाँ पे भी हम लोग एक 3D मॉडल बना देते हैं, यहाँ पे शायद US बन जाएगी, US काफ़ी कूल लगती है वैसे 3D मॉडल में। ओके, तो यहाँ पे कुछ और बन गया, US तो नहीं बनी। ये देखिए वो कंटेनर वहाँ पे है, एंड काफ़ी सारे गुब्बारे हवा में फ्लोट हो रहे हैं, एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने रखी है। तो फिलहाल गाइज लेट्स चेक आउट कि वो लॉन्चर किस तरीके से काम करता है। आप लॉन्च होके ना एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो,
एंड काफी तेजी से फटाफट जा सकते हो, जो काफी कूल लगा मुझे। यहाँ पे इसे स्पॉन करते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एंटर एंड थ्रो। तो मैं अभी यहाँ पे एंटर होने वाला हूँ, एंटर। एंड आप एंगल एडजस्ट कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। एंड इसके बाद लेट्स लॉन्च इन एयर। भाई हाउ कूल यार, आपकी जहाँ मर्जी है गेट ऑफ हो सकते हो। यहाँ पे गेट ऑफ जैसे ही दबाओगे अपने आप पैराशूट आ जाएगा आपके पास एंड आप यहाँ से निकल सकते हो, ठीक है। तो ये बंदा तो फिलहाल यहाँ पे लैंड हो चुका है, बट याद है आपको हम कुछ ब्लॉक्स लेके आए थे, तो 20 ब्लॉक है मेरे पास। तो ब्लॉक का क्या इस्तेमाल है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग के पास तीन ऑप्शन आएंगे, दीवार बनाने का एंड एक पतला सा स्लैब बनाने का एंड एक ट्रायंगल बनाने का। तो यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ट्रायंगल बना के। यहाँ पे हम करते हैं इसको स्पॉन। ये देखिए ये बढ़िया चीज़ यहाँ पे स्पॉन हो चुकी है। एंड इसी के साथ गाइज आप एक छोटा सा स्लैब भी स्पॉन कर सकते हो। ये देखिए ये स्पॉन हो गया। एंड यहाँ पे दीवार, जैसे हम लोग रूनिक पावर खेलते थे ना, वहाँ पे आइस वॉल बन सकती थी। ये देखिए ये काफ़ी सही है। एंड आप अपने हिसाब से जिस डायरेक्शन में जितना आपको ब्लॉक्स यूज़ करना है बना सकते हो। एंड यहाँ पे कवर लेके पीछे छुप सकते हो, बट ये देखिए इतना स्ट्रांग है, देखते हैं। कवर लेके यहाँ से आपको गोली चलानी है तो इस तरीके से तोड़ के भी रख सकते हो। तो भाई कितना कूल है यार ये। अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट कमिंग टू BGMI जैसे मैंने आपको कहा, बट BGMI में आएगा ज़रूर बोल रहे हैं वापस से अपडेट। तो इंतज़ार करते हैं, अब इंतज़ार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए गाइज अटैचमेंट जो है ना, ये जो ब्लिंक कर रही है अटैचमेंट, हमारे पास DP28 है इस वजह से अटैचमेंट ब्लिंक कर रही है, क्योंकि DP की अटैचमेंट है। एंड एक और यहाँ पे अटैचमेंट है जो शॉटगन पे लगेगी, तो यहाँ पे हमारे पास जो शॉटगन है उस पे तो यूज़ नहीं होगी इसके लिए शायद, या ये शॉटगन चल जाएगी। तो गाइज ये देखिए ये नई वाली अटैचमेंट है यहाँ पे, तो ये DP के ऊपर इक्विप हो गई है। एंड यहाँ पे हम अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो वन सेक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से कवर आ चुका है DP के ऊपर। ये देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलेगा, एक शील्ड टाइप बन जाएगी। एंड ये DP पे आप इक्विप कर सकते हो अटैचमेंट, तो एक नई अटैचमेंट है जो आने वाली है गेम के अंदर। एंड साथ ही साथ एक दूसरी अटैचमेंट है जो आप शॉटगन पे लगा सकते हो, जो DBS का जो रीलोडिंग स्पीड है ना, वो बहुत जल्दी से उसको रीलोड कर देगी, तो रीलोडिंग टाइम जो है कम कर देगी। तो एक वो अटैचमेंट है। तो फिलहाल गाइज एक और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये छोटा सा, जहाँ पे भी आपको कुछ क्रेट वगैरह मिलेगी, तो हम लोग वहाँ पे चलते हैं एंड देखते हैं वहाँ पे क्या देखने मिलता है। तो वहाँ पे जाने के लिए हम लोग ये लॉन्चर का यूज़ करेंगे, इसके अंदर बैठते हैं एंड देखते हैं कितना दूर जा सकते हैं। ये काफ़ी बग्स एंड ग्लिचेस है यार इसके अंदर, हैंग हो गया एक्चुअली अभी। तो यहाँ पे गाइज देखिए कॉरी में भी एक और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इस तरीके से दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे मैप के ऊपर। एंड कुछ और भी नई नई चीज़ें इसके अंदर ऐड होती रहेंगी, जैसे जैसे ऐड होंगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल गाइज वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, मेन चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, मेनली क्या आने वाला है एनिवर्सरी अपडेट में। एंड BGMI प्लेयर्स यार थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, तो आपको कोई बताएगा कि 2.5 के अपडेट में सब कुछ आने वाला है BGMI के अंदर। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला अनलेस कोई मिराकल हो जाता है, जादू हो जाता है। बाकी 2.6 के हिसाब से अगर कुछ इन्फो रहेगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। सो दैट्स इट गाइज, वीडियो पसंद आ गई तो लाइक देना, सब्सक्राइब करना एंड मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज एंड टेक केयर।